नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज़ पर। मैं हुसैन खान, नजर डालते हैं खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चर्चित रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 115वें एपिसोड में रविवार को सुबह जब छत्तीसगढ़ के नारायणपुर के बुटलू राम माथरा का जिक्र किया तो लोक कला को बचाने और उसे आगे बढ़ाने के लिए वर्षों से की जा रही उनकी मेहनत राष्ट्रीय मंच पर चमक उठी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोक कला के संरक्षण और संवर्धन में जुटे नारायणपुर के बुटलू राम माथरा की सराहना किए जाने पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने लोक कला के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे कलाकारों की प्रशंसा की है। बुटलू राम माथरा ने लोक कला को संरक्षित करने की दिशा में बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा स्वच्छ भारत को आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ा काम भी किया है। नारायणपुर में आदिवासी संस्कृति अपने सबसे मूल रूप में है। हमारी सरकार श्री माथरा जी के प्रयासों को बढ़ावा देगी। भगवान की तरफ पूजे जाते हैं। साल की उम्र में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा जिनकी जयंती 15 नवंबर है, उनका भी 150वीं जयंती है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उनकी जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है और उसको भी हम लोग यहाँ अच्छे से मना रहे हैं और हम लोग 3 दिन शासकीय रूप से मनाएंगे और 15 नवंबर को बड़ा भव्य कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है और संभवतः वैसे अभी कंफर्म नहीं है लेकिन हम अभी जाके माननीय प्रधानमंत्री जी को आग्रह करके आए हैं और भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थल झारखंड में है और वहाँ चुनाव चल रहा है विधानसभा का, तो आचार संहिता है तो हमने आग्रह किया है कि आप अगर 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ को समय दे देंगे तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य होगा और मुझे उम्मीद है कि उनका समय मिल भी सकता है, उनका समय मिल भी सकता है। तो इस तरह से आज मन की बात के माध्यम से दो बात का पता चला और एक जो साइबर ठगी होता है उसके विषय में भी माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को अलर्ट किए हैं। आज जैसे उन्होंने कहा कि किसी आदमी को ठगना है तो उसका पूरी कुंडली निकाल लेते हैं और ऐसा फोन करके बात करते हैं कि लगता है कि सही में बात हो रही है। उसके विषय में भी उन्होंने बताया है कि इसे डरने की बात नहीं है और आज साइबर ठगी के कारण कई लोग इतने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग इतने घबरा जाते हैं कि उनका लाखों करोड़ रुपया भी चला जाता है और कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, यहाँ तक नौबत आ जाती है। लेकिन आज मन के माध्यम से उन्होंने साइबर ठगी पर भी आगाह किया है और हर मन की बात में नई नई बातों बताते रहते हैं, हम लोग को जरूर सुनना चाहिए। ये हर महीने आखिरी रविवार को इसका आयोजन होता है और चूंकि रायपुर दक्षिण विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, 13 नवंबर को मतदान है और ऐसा विधानसभा है जहां लगातार 8 बार से आप लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताते आए हैं। पराजय योद्धा जो जिजमोहन भैया हैं, उनको 8वीं बार भी आप लोग विधायक के रूप में जिताए थे और वो भी रिकॉर्ड मतों से 68,000 मतों से आप लोग जिताए थे और भारतीय जनता पार्टी उनको और आगे मतलब प्रदेश से केंद्र में भेज दी है, बड़ा सांसद के रूप में दायित्व देके अब उनके जगह पर हमारे सुनील सोनी जी पार्टी के प्रत्याशी हैं और सुनील सोनी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सांसद रहे हैं, महापौर रहे हैं, सभापति भी रहे हैं और भी कई पदों में रहे हैं, तो आप सब लोग मेरे से ज्यादा उनको जानते हैं तो वो हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो सबसे आग्रह होगा यहाँ पर जिम्मेदार कार्यकर्ता इस अवसर पर बैठे हैं तो सबकी जिम्मेदारी होगी कि 13 नवंबर को जो मतदान होना है उसमें भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और ये मतलब खाली एमएलए नहीं जिताएंगे बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार को और आप लोग मजबूत करेंगे और सरकार आप लोगों के आशीर्वाद से अच्छा काम करने का प्रयास कर रही है। ये चुनाव वैसे तो जीतना निश्चित ही है लेकिन जो रिकॉर्ड पिछले बार का था अगर
अगर उसको तोड़ दें तो और अच्छी बात होगी, और अच्छी बात होगी और अच्छा उत्साह से हम लोग छत्तीसगढ़ की सेवा कर पाएंगे, सरकार के माध्यम से अच्छा काम कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग आज एक जसपुर कार्यक्रम में जाना है, राम प्रताप भाई साहब भी जाएंगे और इसलिए और ज्यादा नहीं करते हैं। आप सब लोग प्रमुख हमारे नेता कार्यकर्ता हैं, सभी चिंता करेंगे आने वाले विधानसभा के उपचुनाव के लिए। और चूंकि त्योहार वगैरह भी है, दीपावली वगैरह भी सब है, तो हम लोग को त्योहार भी मनाना है और एक एक घर एक एक मतदाता से संपर्क भी करना है। आज मैं समझता हूँ कि एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिस घर को भारत सरकार का और प्रदेश सरकार का कोई योजना का लाभ नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और आज का आयोजन हुआ इसके लिए मैं पुनः हमारे मंडल अध्यक्ष जी को की पूरी टीम को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। राजस्व की तैयारियों को लेकर शासन प्रशासन जुटा हुआ है। इस बीच उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि इस बार राजस्व मेले का आयोजन 4 से 6 नवंबर को नया रायपुर अटल नगर में होगा। मेले में मोदी की गारंटी के साथ छत्तीसगढ़ की विकास गाथा को प्रदर्शित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रविवार को मीडिया से चर्चा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के बलरामपुर दौरे पर को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस राज्य की शांत फिजा को खराब करने की मानसिकता से काम कर रही है। जब सत्ता में थी तब पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग कर राज्य के कानून व्यवस्था को चौपट करने का काम किया। वहीं 28 अक्टूबर को होने वाली साय कैबिनेट की बैठक को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कल 28 अक्टूबर को विष्णुदेव साय कैबिनेट की 16वीं बैठक है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विकास कार्यों को तेज गति से करने का काम होगा। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, इस एजेंडे के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। 4, 5 और 6 नवंबर को राज्योत्सव का आयोजन होना है। राज्योत्सव की तैयारियां व्यापक रूप से की जा रही है, जोर शोर से की जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ की विकास गाथा और मोदी की गारंटी को प्रदर्शित किया जाएगा और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बनाए हुए इस छत्तीसगढ़ को अब तक हम कहां लेकर आए हैं, आगे क्या हमारा विजन होगा, इन सब राज्योत्सव के माध्यम से। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज जिस रास्ते पे चल रही है, छत्तीसगढ़ की शांत फिजा को खराब करने की मानसिकता से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो सत्ता का पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके राज्य के कानून व्यवस्था को चौपट करने का काम किया था, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया था। और आज जब छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें विपक्ष में बिठाया है, तब भी उसी मानसिकता से आज कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। पर यह विष्णुदेव साय की सरकार है, किसी भी कीमत पर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने नहीं देंगे। कोई कानून अपने हाथ में लेगा, जो दोषी पाया जाएगा उस पर कठोर कार्यवाही होगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लोरमी में कई कार्यक्रमों में शामिल होना है। कारी डोंगरी के पास मनियारी नदी में एक बहुप्रतीक्षित पुल के निर्माण का भूमि पूजन कार्यक्रम है। लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पुल बहुत बड़ी आबादी के लिए आवागमन का माध्यम बनने वाली है। बहुप्रतीक्षित पुल थी जिसकी स्वीकृति करने के बाद टेंडर हो चुका है और आज भूमि पूजन करके फिर उस काम प्रारंभ होगा। लुनिया समाज का एक सामाजिक सम्मेलन और भवन के लोकार्पण का कार्यक्रम है नवरंगपुर में, वहां शामिल होना है। क्षेत्र के लोगों से भेंट मुलाकात और मिलने का भी कार्यक्रम है। रात्रि में कवि सम्मेलन का आयोजन है, उस कवि सम्मेलन में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। लोरमी क्षेत्र में लगातार विकास के काम हो रहे हैं और तेज गति से लोरमी क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। जिस तरह से हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे के तर्ज पर आज तेज गति से छत्तीसगढ़ के गांव और शहरों में विकास के काम हो रहे हैं और उसी तरह से आज पूरे प्रदेश भर में सड़कों के मरम्मत का काम तेज गति से चल रहा है। आने वाले कुछ ही दिनों में प्रदेश के अधिकांश सड़कों का मरम्मत कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में भी पूरी ताकत लगाई, कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत लगाई, पर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस का क्या हस्त किया और दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में भी
कांग्रेस पार्टी का वही हस्त्र होने वाला है। रायपुर दक्षिण की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और इस चुनाव में भी जब भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत अनुभवी जिसने रायपुर की दशा और दिशा बदली, जो सहज सरल हैं, जिन्होंने राजनीति में अपना संपूर्ण जीवन जनता की सेवा में लगाया है, ऐसे सुनील सोनी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और रायपुर दक्षिण की जनता जिस प्रकार से सुनील सोनी जी को आशीर्वाद दे रही है, यह स्पष्ट संकेत है कि भारी बहुमत से रायपुर दक्षिण का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली। विष्णुदेव साय सरकार के कैबिनेट की 16वीं बैठक 28 अक्टूबर को होनी है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी और निर्णय लिए जाएंगे। कैबिनेट में लगातार निर्णय करके छत्तीसगढ़ के विकास के कामों को तेज गति से आगे बढ़ाने का काम और जो हमारा ध्येय वाक्य है हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ को संवारने के निर्णय हो रहे हैं। मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का काम हो रहा है और 16वीं बैठक में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे जो छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने वाला होगा। रविवार को दुर्ग के ऋषभ देव परिसर चंडी मंदिर रोड शिवपारा में खुशियों की दिवाली 2024 का आयोजन भव्यता के साथ किया गया। डोनेट थोड़ा सा नामक संस्था ने श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र के बच्चों के चेहरों पर दीपावली के अवसर पर मुस्कान लाने के उद्देश्य से 27 अक्टूबर रविवार को खुशियों की दिवाली 2024 को आयोजन कर आंगनबाड़ी एवं श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र के बच्चों को ड्रेस, पटाखे, खिलौने, मिठाई एवं अन्य सामग्रियां प्रदान कर उनके चेहरों पर मुस्कान लाने का सफल प्रयास किया। डोनेट थोड़ा सा नमक संस्था ने 10 वर्ष पूर्व 70 बच्चों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और आज लगभग 500 बच्चे इस संस्था के माध्यम से खुशियों की दिवाली मना रहे हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग। 10 वर्षों से ये आयोजन किया जा रहा है। 70 बच्चों से हमने शुरू किया था, आंगनबाड़ी के ये बच्चे हैं और आज ये 500 बच्चे हो चुके हैं और इनके साथ हम 10 साल से ऐसी खुशियों की दिवाली मनाते हैं। खुशियों की दिवाली में हम लोग हर खुशियाँ उनको देना चाहते हैं और हर खुशी से मतलब ये है कि उनके झोलियों में जो हम लोग दे देते हैं मिठाई, पटाखे, खिलौने, स्टेशनरी आइटम, रंगोली, दिए, वो सब चीज़ जो उनके दिवाली के लिए खुशियों मन जाए करके। ये जो आप लोग कर रहे हैं किस तरह का उद्देश्य है, किस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं? इसमें ये सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि सभी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं वो सभी एक बराबर ही है, सभी को दिवाली मनाना पड़ता है और सभी लोग ये सोचते हैं कि हम गरीब टाइप के लोग हैं या फिर निचले टाइप के, ऐसा कुछ नहीं है। हम आंगनबाड़ी को गोद लेके रखे हुए हैं और आंगनबाड़ी के बच्चों के साथ भी ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आज ये जैसे ही आए हैं सबसे पहले इनको भोजन कराया जाता है, सभी के लिए नया ड्रेस पहले से तैयार करके दिया है, नया ड्रेस पहन के यहाँ रंगारंग प्रस्तुति होती है। उन्हीं में से कोई बच्चे जो रहते हैं वो कुछ अलग अलग प्रस्तुति देते हैं, जैसे कि लोक गायन होता है, छत्तीसगढ़ सुआ नाच, यह सभी प्रकार के एकदम से आयोजन यहाँ पर होते हैं। मेरा नाम डॉक्टर हरजिंदर है, मैं डोनेट थोड़ा सा की टीम से हूँ। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। Thank you.
रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेंजा सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्नीचर टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता, अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 90।
पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेंड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर एक पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लीयरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस बहुत बढ़िया है जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 26 अक्टूबर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ के भिन्न भिन्न जिलों से आए कृषकों की टोलियों ने कमला मोटर्स दुर्ग पहुंचकर बहुचर्चित विश्वसनीय कंपनी KS एग्रीकल्चर मलारकोटला पंजाब स्थित औद्योगिकी द्वारा निर्मित सेल्फ प्रपोल्ड बहुफसली कंबाइन हार्वेस्टिंग मशीन KS 9300 की खरीदारी कर अपने अपने पुत्रों को करवा कर स्वयं ही नहीं अपितु अपने पूरे परिवार को गौरवान्वित महसूस करवाया। बीते शनिवार 26 अक्टूबर को कृष्ण पक्ष की दशमी के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ के भिन्न भिन्न जिलों से आए कृषकों की टोलियों ने कमला मोटर्स दुर्ग में आगमन कर बहुचर्चित विश्वसनीय कंपनी
के इस एग्रीकल्चर मलार कोटला पंजाब स्थित उद्योगिकी द्वारा निर्मित सेल्फ प्रपोल्ड बहुफसलीय कंबाइन हार्वेस्टिंग के एस 900 मशीन की खरीदारी अपने अपने पुत्रों को करवाकर स्वयं ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार को गौरवान्वित महसूस करवाया। मशीन की सामूहिक डिलीवरी प्रदान करते हुए संयुक्त संचालक दुर्ग संभाग के सहायक संचालक एन वी सत्यनारायण स्वामी एवं कमला मोटर्स के संचालक पुत्र पद्मेश बर्मेचा, सेल्फ प्रमोटर सत्यश्री लक्ष्मी नारायण चंद्राकर, शाखा प्रबंधक खेमचंद गुप्ता, अभियंता किशोर निषाद बर्मेचा, एलिवेटर के कनिष्ठ अभियंता जयदीप सामंत, सहायक अभियंता शामिल रहे। वही मशीन ग्रहण करते हुए टेकापार खैरागढ़ के कृषक पवन कुमार वर्मा, राम विलास वर्मा, अनसुईया बाई, आरती बाई, नीलमणि वर्मा, दिनेश वर्मा, रिंकू वर्मा, नंदिनी, जिज्ञासा, लवी, गुलशन, ओमी वर्मा, इसके साथ ही धोटा दुर्ग के कृषकों की टोलियों में टोप सिंह पटेल, रूपेंद्र पटेल, सोगा लाल पटेल, गोपाल, श्रीराम एवं गोविंद पटेल और इसके साथी गण शामिल रहे। ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि केएस एग्रीकल्चर की सेल्फ प्रपोल्ड कंबाइन मशीन जब सजी सवरी डीलरशिप से निकलकर गंतव्य की ओर शंखनाद करते हुए जाती है तो सहसा ही लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो वहीं राहगीरों को कुछ पल के लिए स्थिरता प्रदान करते हुए मंद मंद मुस्कुराने हेतु मजबूर कर देती है। बहरहाल दोनों ही परिवार मशीन की खरीदारी कर गौरवान्वित महसूस किए। इसके साथ ही उन्हें आर्थिक समृद्ध बनाने के लिए ये मशीन मील का पत्थर साबित होगी। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। माइलस्टोन एकेडमी स्कूल की महिला शिक्षिकाओं ने विद्यालय निदेशक डॉक्टर ममता शुक्ला के नेतृत्व में 26 अक्टूबर शनिवार को शाम संपूर्ण रामायण कार्यक्रम का आयोजन किया। ये नाटिका न केवल सांस्कृतिक धरोहर को प्रस्तुत करने का एक माध्यम थी बल्कि ये बच्चों के लिए रामायण की शिक्षाओं को समझने का भी एक अनूठा प्रयास था। कार्यक्रम में माता पिता ने बड़ी संख्या में भाग लिया और नाटिका को देख कर अभिभूत हो उठे। शिक्षाधानी भिलाई में अनेकों स्कूल संचालित किए जाते हैं, उन्हीं स्कूलों में एक स्कूल माइलस्टोन भी संचालित किया जाता है। माइलस्टोन स्कूल प्रबंधन के द्वारा समय समय पर बच्चों को नैतिक शिक्षा की और धार्मिक शिक्षा की जानकारियां दी जाती है। इसके साथ ही हर आयोजन यहां पर भव्यता से एकजुटता के साथ मनाए जाते हैं। इसी कड़ी में माइलस्टोन एकेडमी में महिला शिक्षिकाओं ने विद्यालय निदेशक डॉ. ममता शुक्ला के नेतृत्व में अद्भुत कार्यक्रम रामायण का आयोजन किया। ये नाटिका न केवल सांस्कृतिक धरोहर को प्रस्तुत करने के लिए माध्यम थी बल्कि ये बच्चों के लिए रामायण की शिक्षाओं को समझने का एक अनूठा प्रयास था। कार्यक्रम में माता पिताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और नाटक के दौरान रामायण को प्रस्तुत किया। इस नाटिका को देखकर उपस्थित लोग अभिभूत हो गए। कार्यक्रम का आयोजन बीते शनिवार को किया गया था। इस दौरान दुर्ग रेंज के पुलिस आईजी आईपीएस राम गोपाल गर्ग भी पालक के रूप में अपने परिवार के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इस उत्कृष्ट प्रस्तुति की दिल से सराहना भी की। आयोजन में छात्रों और उनके माता पिता ने मिलकर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरे माहौल को जीवंत कर दिया और उनका उत्साह और समर्थन इस बात का प्रमाण था कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। नेचुरली बच्चों को नहीं है स्कूल, जो फाइनल स्कूल के कॉलेजेस के बच्चे हैं उनको टाइम नहीं है क्योंकि कोचिंग जाना इधर उधर,
अब नर्सरी के बच्चों को भी टाइम नहीं है क्योंकि उन्हें हॉबी क्लासेस में जाना है। तो कोई भी चीज़ जो टाइम टेकिंग है वो उन तक पहुंचाना बहुत कठिन है। तो ये हुआ क्या कि 30 मिनट में रामायण, क्योंकि 30 मिनट निकालना बहुत कठिन नहीं होगा, तो ये यही सोच थी, सोच भी नहीं थी एक्चुअली, ये जब बन गया तब लगा कि ये पर्पस सर्व करेगा। देखिए वाल्मीकि जी ने तो संस्कृत में रामायण लिखी, उस समय के लोगों को तो आसान पड़ी होगी पर बाद वालों को बहुत मुश्किल पड़ी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी आए, उन्होंने लोक भाषा में लिखी, वो उस समय के लोगों को आसान पड़ी होगी। फिर रामानंद सागर 55 एपिसोड्स में लेके आए टीवी पर। 55 एपिसोड भी मुझे लगता है अब देखने का टाइम किसके पास है, तो हम लेके आए हैं 30 मिनट्स में। हाँ, ये रामायण का भव्य आयोजन न केवल सफल रहा बल्कि सभी के दिलों में एक अपनी विशेष जगह भी बना लिया। डायरेक्टर ममता शुक्ला ने कहा कि हम सभी को गर्व है कि हमारे स्कूल में ऐसे अद्भुत कार्यक्रम कराए जाते हैं जो हमारे बच्चों की प्रतिभा और संस्कृति को उजागर करते हैं। बहरहाल इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षिकाएं, पालकगण और गणमान्य नागरिक शामिल रहे। एसीएन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। Thank you.
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी चुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप इज फेमस फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स फैकल्टी, इट्स स्टूडेंट्स ग्रुप, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, agar aap chahte hain ki aap 12th ke baad science mein aapke bhavishy banana chahte hain to Shankaracharya Professional University mein ek baar zarur aaye. Pharmacy course mein abhi direct admission 12th ki percent basis pe diya ja raha hai, to jald se jald sampark kare. तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी भिलाई छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जशपुर में बीजेपी विधायक रायमोनी भगत पर ईसाई समाज के खिलाफ विवादास्पद बयान देने का आरोप लगा है, जिसके खिलाफ पूरा ईसाई समाज लामबंद हो गया है और ईसाई आदिवासी महासभा न्याय यात्रा निकाल रहा है। इस पदयात्रा की शुरुआत शनिवार सुबह जशपुर के शांति भवन से हुई, उसके बाद ये यात्रा जशपुर से कुनकुरी होते हुए काय कछार तक पहुंची। ये न्याय यात्रा 27 अक्टूबर को सीएम निवास बगिया पहुंचकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपने वाली थी, लेकिन इस न्याय यात्रा में शामिल लोगों को लोरो घाटी के पास पुलिस के द्वारा रोक दिया गया। इस दौरान ईसाई समुदाय के लोगों ने जशपुर विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। समुदाय के लोगों के द्वारा विधायक रायमुनि भगत की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग यूट्यूब चैनल। ये नेशनल हाईवे क्रमांक 43 है, जहां पे एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा न्याय यात्रा आस्था से बगिया तक निकाला जा रहा है और न्याय यात्रा आज दरअसल नेशनल हाईवे क्रमांक 43 लोरो के पास पहुंचा है और एक विशेष समुदाय के द्वारा रायमुनि भगत के खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध कराने के लिए पिछले दो महीने से लगातार प्रयास कर रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस वालों की काफी भीड़ है और एक विशेष समुदाय के लोगों की संख्या काफी संख्या है और यहाँ पे पुलिस वाले बैरिकेड लगा करके रखे हैं और उनके देखिए यहाँ पे पानी का बौछार किया जा रहा है और लोगों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दमकल की जो वाहने हैं उस वाहन से यहाँ पे पानी बरसाया जा रहा है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि लोग लौट जाएं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग पानी से बचने के लिए जमीन में बैठ जा रहे हैं और यहाँ पे स्थिति काफ़ी गंभीर दिखाई दे रही है। लोग यहाँ पे नेशनल हाईवे क्रमांक 43 में खड़े हैं और ये जो रैली है आस्था से रैली निकली है और 25 अक्टूबर को ये रैली निकली थी और कल शाम को ये जो भीड़ है, एक जो समुदाय के जो लोग हैं, ये सारे के सारे लोग कल 25 तारीख को कुनकुरी जशपुर में रुक गए थे और आज इनका कुनकुरी में रुकने का प्लान है और 27 तारीख को ये जो लोग हैं, एक जबरदस्त समुदाय के जो लोग हैं, ये कल बगिया पहुंचेंगे और अपनी मांग रखेंगे, ऐसा समाज के लोगों का बोलना है। और आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल तैनात है और इस भीड़ को रोकने का प्रयास पुलिस कर रही है। डोंगरगढ़ में पुलिस ने डुप्लीकेट बीड़ी तैयार करने वाले के घर में रेड मारकर नकली धंधे का पर्दाफाश किया है। आरोपी नामी कंपनियों की नकली बीड़ी तैयार कर स्थानीय दुकानदारों को सप्लाई किया करता था। दरअसल ये पूरा मामला डोंगरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र का है। गोला बीड़ी वर्क्स सदर बाजार धमतरी ने थाने में शिकायत की थी। दर्ज के आधार पर ये बताया गया था कि दंतेश्वरी पारा में हमारे कंपनी के अनुरूप अवैध रूप से डुप्लीकेट बीड़ी का पैकेट तैयार कर विक्रय किया जा रहा है। सूचना के बाद डोंगरगढ़ पुलिस ने रेड कार्रवाई कर आरोपी रविंद्र साखरे के पास से गोला बीड़ी, मनोहर बीड़ी, बीड़ी का होलोग्राम और अन्य बीड़ियों का डुप्लीकेट रैपर जब्त किया है। आज दिनांक को गोला बीड़ी के प्रोडक्शन करने वाले द्वारा धमतरी की कंपनी के द्वारा शिकायत की गई थी थाना डोंगरगढ़ में कि इनकी कंपनी का डुप्लीकेसी कर किसी प्रोडक्शन लोकल स्तर पे उनमें लेबलिंग करके बिक्री के लिए रखा गया है। तो इसकी सूचना पे दंतेश्वरी पारा पे रेड पुलिस के द्वारा रेड कार्रवाई किया गया, जिसमें रविंद्र साकरे पिता गेंदलाल 42 वर्ष के द्वारा अवैध रूप से पैकेजिंग कर बीड़गोला बीड़ी और मनोहर बीड़ी का पैकेजिंग करते पाया गया, जिसपे 318(4)(BNS) व कॉपीराइट अधिनियम 1999 की धारा 63 के तहत कार्रवाई की गई। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत, आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।